एंड गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून एक बज चुका है। सो हम अभी अभी हमारे ये टैंक फुल करा रहे, तो गाड़ी को फुल जोर झुला रहे। डैड इज ऊपिंग बोल रहे तेलुगु में ना, हिलाने को ऊपडम बोलते हैं। सो ऊपिंग लास्ट में इंग लगा दिया। ये है जैसे इंडियो वेस्टर्न होता है ना, वैसे पिन, क्या है ये पिन, इंगो पिन, इंगो तेलुगु, इंगो तेलुगु मिक्स कर दिया इसने। सो अभी हम स्टार्ट हुए हैं, जस्ट घर से थोड़ी दूर आए हैं। यहाँ बंक में जो है ऑयल फुल करा दे रहे हैं टैंक, एंड संक्रांति स्पेशल जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं। और ये संक्रांति के टाइम पे ही जो है सभी लोग गैदर होते हैं गाँव में। तो इस बार जो है थोड़ी जो पैकिंग भी है हैवी होगी, क्योंकि हमेशा जो है इससे पहले भी जब गए थे एक डेढ़ दिन के लिए ऐसे गए थे, अभी मैक्सिमम 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 5 या 6 दिन के लिए। एंड आदित्य ऑलरेडी आराम वाली पोजीशन में, तो जब उसको कार में बैठना होता है तो ही इज तो ऑलवेज यू नो, उसको है कि घर के कपड़े ही पहनने हैं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता है कि बाहर जीन्स पहननी है, शर्ट पहननी है। पहनने के लिए बोलो तब भी नहीं पहनता है। देखो अभी भी उसने क्या पहन रखा है, घर की जो ट्रैक्स है एंड टी शर्ट पहने। और इस भाई साहब को देखो, जिसने जीन्स एंड टी शर्ट पहनी है, अभिषेक को मना करो तब भी वो लाइक, उसको अगर हम बाहर जा रहे हैं तो उसने घर के ड्रेस पहननी नहीं, अगर पहनी भी होगी तो उतार के जो है जीन्स ही पहनता है। सो उसने जो है लाइफ को ऐसे डिवाइड करके रखा है, एंड सब लोग ऐसे ही पहनते, बट ही इज एक्सेप्शन। सो अभी निकल रहे हैं, अभी रास्ते में खाना खाएंगे। ये जब से हमारा जो बर्थडे वाला सीजन जो दिसंबर से लेके अभी तक पूरा ना, खाना पीना बाहर का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एंड अभी गांव में जाने के बाद में थोड़ा सा और बढ़ी जाएगा लग रहा है मुझे। तो दोपहर का खाना है वो तो एनी हाउ जो घर में खाना बनता है वही खाते हैं, जो बाहर का भी है तो उतनी ही क्वांटिटी में खाते हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओनली ये है कि जब ऐसे ट्रैवलिंग वेवलिंग चलता रहता है तो शेक कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसका ही मैं सोच रहा हूँ, उसकी वजह से ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तब खाना बढ़ जाता है। आई एम फीलिंग स्लो स्लीपी। कल जो है आदित्य का एग्ज़ाम था साइंस स्कूल का, मैंने आपसे वो वीडियो शेयर किया था, एंड आज हम निकल रहे हैं। और मैंने एक बार भी पूछा नहीं, ये नया जो मैंने स्मूथनिंग कराया है कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। स्मूथनिंग के साथ ये जो है कट है, ये फेदर कट है। सो अभी स्ट्रेट में जो है एक एक एंगल में दिखता नहीं, अभी सामने से दिखाऊंगी ना तो फेदर कट दिखता नहीं है, लेकिन साइड से अगर देखेंगे तो वो जो स्टेप्स है वो सभी दिखते हैं, तो अच्छा तो लग रहा है वैसे, है ना। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद। एंड अभी रास्ते में कहाँ रुकेंगे, पिछली बार जब गाँव जा रहे थे तो क्रॉस रोड में रुके थे ज़्यादा टाइम, एंड वापस आधा टाइम भी। एंड ये बोल रहे थे कि अभी दोबारा वहीं रुक जाएंगे क्या, मैंने बोला यार चेंज करते हैं, कोई अच्छा दिखे तो रुकते हैं वहाँ पे। अगर और कोई मतलब ऑलरेडी एक बज चुके हैं, भूख भी लग रही है, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कैसे भी निकलना था, तो पैकिंग में थोड़ा बिजी थे, 2-3 दिन से बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो पैकिंग किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जस्ट फ्रूट्स थे ना वो खा लिए, फिर से डायरेक्ट लंच ही करने वाले हैं। अभी लंच टाइम हो गया है इसलिए जो पहले मिल जाता है रेस्टोरेंट वहाँ पे घुस जाएंगे। सो सबसे नज़दीक तो एक्चुअली क्रॉस रोड्स ही है फिलहाल जो सबसे पहले आएगा, तो लेट्स सी कि क्या खाना है। बिरयानी खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, आई एम थिंकिंग टू हैव सम रोटी या नान होता है, दैट आई हैव टू सी, मेरा तो वही है प्लान, बच्चे तो चावल ही खाएंगे, सो विल सी। हम यहाँ पे आए हैं, दिस इज गरुड़ा फूड प्लाजा। इससे पहले जब मेरे हस्बैंड अकेले आए थे जब गाँव में, तब इन्होंने यहाँ पे खाया था। ये कहाँ पे कब से ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते जो है 3 बज चुके हैं दोपहर के, बहुत लेट हो गया हमारा लंच, पर चलो अच्छा वाला मिल ही गया। सो आदित्य वहाँ भाग के गया, वहाँ पार्क है तो खेलना भी शुरू कर दिया उसने। वो यहाँ पे जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोर किया हुआ है, जो पुराने ज़माने में जो भी व्हीकल्स रहते थे, लेट इट बी लूना, स्कूटर एंड अलग अलग टाइप के जो भी थे, उसको एक एंटीक की तरह यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, दैट इज़ बैलगाड़ी। एंड अगेन वो एम्बेसडर्स तो याद ही होगी, बिकॉज इस ज़माने में भी हम लोग ने बहुत सारी देखी है, अभी भी बहुत लोग चलाते भी हैं। एंड अगेन सैनिटाइजेशन, और ये बहुत ही बड़ा एक मतलब हाईवे पे गरुड़ा करके है, बहुत बड़ा है, प्ले एरिया है, उसके बाद
शॉपिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट्स हो गया, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अवेलेबल था। तो हम यहाँ पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं और ये संक्रांति स्पेशल के हिसाब से लंच में ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो इनका जो मेनू है वो भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द डिस्प्ले का जो पैटर्न है वो एक कांच के ऊपर है। जनरली क्या होता है, आपके पास वाइट बोर्ड रहता है जो डिस्प्ले करते हैं, बट दिस इज़ लिटिल डिफरेंट। बाहर भी एक और ऐसा कांच का लगा हुआ था, यहाँ पे भी वैसा ही कांच का है। एंड ये जो सिटिंग एरिया है, रेस्टोरेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी लंबी, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बहुत ही लंबा चौड़ा, कम से कम यहाँ आराम से एक साथ अगर बैठेंगे लोग, 300-400 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस था। सो अभी हम लोग भी इन्जॉय कर लेते हैं अपना खाना, ऑर्डर तो कर दिया है। एंड बॉटल भी बड़ी अच्छी, इसकी जो कटिंग्स थी ना काफ़ी अच्छी थी, तो ऑलरेडी खाना आ चुका है, सो लेट्स एन्जॉय। तो अभी ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं, ऑर्डर किया है गार्लिक नान करी पे रेंडी, ये तो डिफरेंटली चटनी, पता नहीं क्या था, भूल गई, मैं नाम भूल गई, बताऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। अभी तक लाइट जल रही थी, लाइट चली गई शायद, तो अभी फिर से लाइट जो है जल चुकी है। मैंने अभी क्लचर लगाया क्योंकि बाल अदरवाइज खाने में ऐसे गिरते रहेंगे। अच्छा, ये सब्जी का नाम क्या है, इसका नाम राड़ा मुर्गी, गार्लिक नान। वेट वेट, सो गार्लिक नान ऑर्डर किया, अंदर चिकन करी, चिकन करी नाम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर भूल जा रही हूँ। चुकी हैं एंड अभी दोबारा ये जो है यहाँ पे आ गए हैं झूले के पास में। उल्टा गिल्टा आते रखो, नोट लोगों चलते आदिति। लोकेशन से दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं एंड ये क्या चिपका लिया इसने, आदिति व्हाट इज दैट ऑन योर हेड, निकाल के अपने माथे पे चिपका दिया। एंड अभिषेक डैडी ड्राइवर वो बोल रहा है डैडी ड्राइवर, ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलो, जल्दी चलो। हिंदी लो डायलॉग एंड किसका टाइम हिंदी में बात करने के लिए बोला था, किसका टाइम है, किधर है, क्या किधर है, इसका ताड़े बेलगुड़ा, इसका ताड़े बेलगुड़ा इधर ही है, within 20 किलोमीटर। ओह माय गॉड, ऐसी रहती इनकी हिंदी, थोड़ा सा लाइक शेड लगा लिया क्योंकि खाना पीना सब होने के बाद निकल गई थी, अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ रेड। सो फाइनली हम लोग जो है गांव पहुंच गए हैं और आने के बाद अभी बाजू वाले रूम में हम लोगों ने सेटअप करना स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा मेस पड़ा हुआ है बट सबसे पहले ये बेड मैंने सेटअप कर दिया है। उस रूम में इसलिए नहीं क्योंकि दो दिन के बाद मेरे सिस्टर इन लॉ वो लोग आएंगे फैमिली, तो सासू माँ तो बोल रही थी कि उधर ही लेट जाओ बाद में इधर आ जाना करके, मैं वो बार बार शिफ्टिंग नहीं कर सकते, इधर उधर कपड़े इधर आ जाओ उधर आ जाओ, बेशक उनको दो दिन के बाद आने जो आधे दो या 10 दिन के बाद आने दो, मैं यहीं पर सेटअप कर देती हूँ। तो जो है चारपाई का डायरेक्शन वायरेक्शन पूरा चेंज किया एंड यहाँ पर अभी लगेज जो है ऐसे ही पड़ा है बिकॉज कुछ खाली नहीं है कहीं रखने के लिए, तो कल सुबह उठ के जो है इस रूम का जो है मेकओवर करना पड़ेगा। पहले तो बेड का करा एंड मच्छर यहाँ पे इतने ज़्यादा है, पिछली बार जब आए थे तो सोना तो रात भर सो ही नहीं मैं जो 1.5 दिन रहे थे क्योंकि मच्छरों ने ऐसा हमला बोला कि नींद ही नहीं आई। तो ये हमारे घर में ये वाला नेट पहले से था तो ये कैरी कर लिया एंड ये सबको बिछाया, सबको झाड़ झूड़ के, एंड ये जो नेट है इसमें कहीं कहीं पे ना छेद हो गए थे, फिर सुई धागा लेके इसको 1 घंटा तो मैंने सिला है जहाँ जहाँ पे भी छेद थे,
कि उन छेदों में से अगर मच्छर अंदर आ जाएंगे ना फिर बाहर नहीं जाएंगे, रात भर काट काट के सड़ा देंगे वहीं पे। तो इसको सेटअप करने में ये लगा और ये क्विल्ट मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है। सो क्यूट सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पिकनिक के लिए आए हुए हैं और पिकनिक में कहीं टेंट लगा के रखते हैं ना, ऐसा वैसा सा लग रहा है। सो लुकिंग नाइस। सो चलो कल सुबह मिलते हैं, अभी तो सोते लेला बिकॉज एकदम थका लेला। चलो सी यू, गुड नाइट एंड हैप्पी संक्रांति इन एडवांस। तो रात को थोड़ा सेटअप किया था और सुबह शुरू किया मैंने उठते के साथ ही नाश्ते के बाद, एंड दोपहर के 2 बज गए मुझे पूरा रूम को सेट करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में टाइम लगता है। एंड अभी ये नक्शा है पूरा जो है, पीछे का दरवाज़ा भी ओपन किया, वो हमेशा बंद करके रखते हैं वो, तो सब कुछ एक्सेस में आया। एंड यहाँ पे सीटिंग भी बना दिया, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना अभी। देखने में खाली 1-2 सेकंड लगते हैं लेकिन करने में बड़ा टाइम लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक चिपकाइएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।